बैजनाथ विश्राम गृह में प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य के पहुंचने पर रविंद्र बिट्टू के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। विक्रमादित्य से यह पूछने पर कि प्रदेश में 10 पदाधिकारियों को किस लिए निलंबित किया गया है, तो उन्होंने कहा है कि वह पदाधिकारी संगठन को मजबूत करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल पास किया है। इस बिल के विरोध में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के लिए किसान सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए वह विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो एक कंसेंट इनकी ली जाती थी और एक स्पेशल जो इसमें एक वो रखा गया था कि एक ईए क्या पास को पूछा जाता था, तो वो अब नए बिल में उस चीज़ को हटाया गया है। और पीछे अगर 5 साल में अगर उस ज़मीन को जो है अगर इस्तेमाल नहीं होती थी तो वो वापस किसानों और बागवानों को दी जाती थी, अब उस चीज़ को भी बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है। इन सब मुद्दों पे हम प्रदेश में जो इसमें अफेक्टेड लोग हैं उनको साथ लेते हुए हम पूरे प्रदेश के विभिन्न विधानसभा हलकों में, पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में और प्रदेश भर पे एक प्रदर्शन हम युवा कांग्रेस के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो मीटिंग करी थी, जहाँ पे कई पदाधिकारियों की जो कार्य उनका जो कार्य है वो संगठन के प्रति उसमें कुछ कमी पाई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक्शन लिया है। मगर क्योंकि हम सब एक परिवार का एक हिस्सा है और परिवार में सबको जो है साथ लेकर हमने आगे चलना है, तो उसमें सबसे बैठकर बात करेंगे, देखेंगे और जो फिर आगे संगठन के हित में मजबूती के लिए हम कर सकते हैं वो कार्य आने वाले समय में करेंगे।